अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज। उसके लिए हमने ली है 1/2 kg बोनलेस, और हम इसमें सारे एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने डालने। पिज़्ज़ा फ्राइज की रेसिपी बहुत ईजी होती है, बहुत और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे, हसबी ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे सबसे पहले। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर हम 1 tablespoon डालेंगे। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हम इसके अंदर। अब हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम इसमें। हाफ टेबल स्पून हम इसमें चिकन टिक्की का पैकेट का जो मसाला होता है शान वालों का, वो ऐड करेंगे। इससे जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का है। अब हम इसमें चिली सॉस डालेंगे 2 tablespoon और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और बाकी जो स्पाइसेस हैं और सॉसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद होता है और कुछ लोगों को नॉर्मल कम और कुछ कम खाते हैं। अब हमने इसमें चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला। अब हम इसमें विनीगर ऐड करेंगे। विनीगर हम 2 tablespoon ऐड करेंगे, वो इसलिए ताकि जब मैरिनेशन में थोड़ी सी जो है विनीगर का फंक्शन नहीं होता है, बेसिकली थोड़ा सा जो चिकन को या गोश्त को है गला देता है। ये हमने मैरिनेट कर दिए चिकन, और हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इतने में हम अपने फ्राइज कट करेंगे और उनको बॉईल करेंगे। और चिकन जो बोनलेस थी, हमने बड़ी बड़ी बोनलेस नहीं ली, आप देख सकते हैं ये जो है इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस करें इस तरह, क्योंकि पिज़्ज़ा फ्राइज के अंदर चिकन यूज़ हो रही है, आप देख सकते हैं। देखें इसके हमने छोटे छोटे पीस किए। अच्छा, फ्राइज कट करने से पहले हम इसका सॉस प्रिपेयर करेंगे। सॉस के लिए हमने लिए हैं 6 बड़े साइज़ के टमाटर, क्योंकि ये सॉस जो है फ्राइज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितने फ्राइज बना रहे हैं। हम जो 2 ट्रे के फ्राइज़ बनाएंगे उनमें डबल डबल लेयर रखती है, तो उसी लिहाज से हमने ये सॉस भी ज़्यादा बनाना है। तो ये 6 बड़े टमाटर हैं, इनको हम थोड़ा सा पानी में जो है हल्का सा बॉयल करेंगे और उसके बाद ब्लेंड कर देंगे। ये हम पानी में बॉयल करके 5 मिनट्स तक बॉयल करेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ब्लेंड हो जाएंगे। अब हमारे टमाटोज जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको पील करके हम ग्रेंड करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। अब हम सॉस प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हमने पैन लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल 2 tablespoon डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके अंदर हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे। पहले थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे और उसके बाद हम एक एक करके हम इसके अंदर स्पाइसेस और सॉसेज ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा पक रहा है, अब इसके अंदर हम सॉसेज ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चिली सॉस डालेंगे 2 to 4 tablespoon। अब फिर इसके अंदर हम सोया सॉस डालेंगे, वो भी 2 to 4 tablespoon डालेंगे। जितना चटपटा आप सॉस बनाएंगे उतना जो है टेस्ट अच्छा आता है फ्राइज में। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मीडियम फ्लेम पर हमें ये सॉस प्रिपेयर करना है, ज़्यादा तेज़ हाई फ्लेम हो जाएगी तो उससे जल भी सकता है। अब हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 tablespoon, ब्लैक पेपर डालेंगे 1/2 tablespoon, अब हम इसमें डालेंगे टिक्का मसाला 1/2 tablespoon, या आप अपने टेस्ट के लिए भी के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपको फ्लेवर इसका रखना है तिक्के मसाले का। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो केचप 2 to 3 tablespoon। अब इसको पकाएंगे, जब तक इसको पकाने तब तक सॉस जो है ऑयल जो हमने डाला था वो लीव ना कर दे। जब वो ऑयल लीव कर देगा टोमेटोज तब हमारा सॉस प्रिपेयर हो जाएगा। सॉस में भी जो है आप स्पाइसेस और सॉसेज अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हम लोग के बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता खाना, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। और आप लोग जैसा खाते हैं, तेज़ खाते हैं, स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं या लाइट खाते हैं, उसी लिहाज से आप सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब हम इस सॉस के अंदर 1 pinch जो है लहसुन पाउडर डालेंगे, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। सिर्फ पिंच ही डालनी है। अभी हमारा सॉस जो है टमाटो सॉस ये रेडी हो चुका है। टमाटो सॉस मतलब पिज़्ज़ा सॉस, देखें ये थिक भी हो गया है। आपको इस तरह इसको थिक करना है, और अगर आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो ऑयल लीव करेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था इसलिए उसने ज़्यादा ऑयल लीव नहीं किया।
अब जो चिकन हमने मैरिनेट करी थी उसको 1 आवर हो चुका है। अब हम थोड़े पैन में ऑयल लेंगे और ऑयल के अंदर हम उस चिकन को फ्राई कर लेंगे। मैरिनेशन आपकी मर्जी है कि आप कितनी देर के लिए भी मैरिनेट करके रखें चिकन को। आप जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतनी ज़्यादा मतलब चिकन में टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके आपको दिखाते हैं। अब हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। इसके बाद अब हम फ्राइज को फ्राई करेंगे। अब हमने ये फ्राइज के लिए फ्राइज काट लिए हैं, इसको अब हम फ्राई करेंगे। फ्राइज़ को हम डीप फ्राई करेंगे और लाइट फ्राई करना है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि बेक भी होता है। जब तक फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे हम बनाते हैं एक और सॉस रह गया था, वो बना रहे हैं। वो केचप और मायो का सॉस बनता है। इसके लिए हमने लिए मेयोनीज 4 टेबल स्पून भर भर के, क्योंकि हमारी फ्राइज़ जो है वो हमने 1 kg फ्राइज़ ली है, उसी लिहाज से हम सॉसेज बनाएंगे सारे। और इसमें हमने डाले 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। और इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, वो भी हम 1/2 टी स्पून डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सिंपल मायोनीज नहीं ली, हमने गार्लिक मायो दी है। अभी हमारे आलू फ्राइज हो गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, लाइट फ्राई किया थोड़ा सा, लेकिन ऐसा किया कि ये गल गए। इसी तरह हम सारे फ्राइज़ कर लेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब फ्राइज़ फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसकी लेयर लगा रहे हैं। इसके लिए हमने पैन को ग्रीस कर लिया ऑयल से। सबसे पहली लेयर फ्राइज़ की लगेंगी, इसमें हम फ्राइज़ डालेंगे। फर्स्ट स्टेप फ्राइज़ की लेयर लगेंगी। सेकेंड स्टेप में हमने जो मायो सॉस बनाया था वो डालेंगे। अब थर्ड स्टेप में हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमने फ्राई की थी। अब फोर्थ स्टेप में हम टमाटो सॉस डालेंगे जो हमने टमाटो सॉस बनाया था। टमाटो सॉस मतलब वही पिज़्ज़ा सॉस। अब इसमें फिफ्थ लेयर लगाएंगे हम चीज़ की, चेडर चीज़ हमने ली है। अब हम दोबारा से फ्राइज़ की लेयर लगाएंगे, फिर मायो सॉस की, उसके बाद चिकन, पिज़्ज़ा सॉस की, देन चीज़ की। इसको हम स्टोव पे बेक करेंगे। ये अब हमारी लेयर डबल लेयर लग गई है, इस पर हम थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स जो हैं स्प्रिंकल करेंगे। ये हमने कढ़ाई रखी, कढ़ाई को हमने प्री हीट कर लिया था 5 मिनट्स तक। अब हमने इसके अंदर ये जो हमारा पैन था फ्राइज़ का वो हमने रख दिया और उसको हम कवर कर देंगे। और आफ्टर 10 मिनट्स बाद हम चेक करेंगे, जब ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो इसका मतलब हमारी फ्राइज़ जो हैं वो बेक हो गए। ये हमारे फ्राइज तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको सर्व करके डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज रेडी हैं, आप देख सकते हैं बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।